जितना पवित्र यशु है कलिशिया होनी चाहिए जितना यशु मसी साफ है उतना कलिस होनी चाहिए जितना यीशु पावरफुल है उतनी कलिसिया पावरफुल होनी चाहिए और जिसके चलते पहलूस कहता है कि मैं तुमको बता दूं कि तुम कौन हो तुम ये कलिसिया हो तुम यशु की हो तुम यशु की कलिसिया हो कम गेट रही सुनो 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 इस बात पे ध्यान दीजिए मुझे नहीं पता देवा देवा, देवा देवा आप क्या लिख रही हैं क्या पन्ना पलट रही हैं आपका फोकस यहाँ होना चाहिए सिस्टर आपको पीडीएफ में सब मिलेगा लेकिन ये जो पंच लाइन दे रहा हो ना अगर आप लिखते बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी प्लीज बहुत मेहनत के साथ आप लोग के पास आता हूं वाहन <laughs> लेसन किस ओके okay, अलग तरीके से आता हूं ऐसे सोचे कि आप किसी कपल्स मतलब किसी मैरिज फंक्शन में गए क्या कहते हैं उसको शादी का पार्टी जिसको कहते हैं अभी अभी शादी हुई है और आप वहां पर गए रिसेप्शन याद आ गया रिसेप्शन आपको कैसे लगेगा कि दुल्हा एकदम टिप टॉप मजबूत हाई फाई कपड़ा सूट बूट के साथ में और उसकी दुल्हन फटे कपड़े बदसूरत मतलब बहुत गंदी कैसा लगेगा प्लीज बताइए <laughs> आप सबसे पहले जाते ही किसको पकड़ोगे आप जाते ही उस दूल्हे को पकड़ोगे तूने किसको खड़ा कर लिया पगल में तूने किसको पास में खड़ा कर लिया इसलिए कहता है उसे कैसी तेजस्वी बनाकर जरा शब्द पे ध्यान दीजिए लिखा है अपने पास खड़ी करे, अपने साथ खड़ी करे, किसके? के पास खड़ी खड़ी अपने साथ किसके के झुर्री हो ना कोई वस्तु, आ, आ, वस्तु हो वर्ण पवित्र हो और निर्दोष हो इसका मतलब है समझा रहे हैं आप लोग इसको ले लो इसको ले लो व्यवस्था कहती है कलिसिया को तू तब तक पवित्र नहीं है जब तक तू खुद कुछ नहीं करती यीशु आकर कहता है कलिसिया तुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि सब कुछ मैंने कर दिया है तो मेरी पवित्रता में पवित्र है सीधा डिफरेंस तो व्यवस्था अलग है और यीशु अलग है इसलिए रोमियों की किताब सात का एक, मैंने नहीं रखा लिखा है है जब तक पहला पति जिंदा दूसरे से शादी नहीं कर सकती अगर पहला पति मर जाए तो वो दूसरे से शादी कर सकती है का कनेक्शन कौन है आप बीच में कौन है, है? कलिसिया ने कलिया को गरीब बना दिया व्यवस्था ने कलिसिया को दार बना दिया व्यवस्था ने कलिसिया को डरपोक बना दिया व्यवस्था ने कलिसिया को वीक कमजोर पापी सब कुछ बना दिया लेकिन जब दूसरा दूल्हा आया क्योंकि पहला पति मर गया दूसरा पति आया और जब दूसरा पति आया बहुत ध्यान से सुनना तो उसने ना सिर्फ कर्जे माफ किए ना सिर्फ पवित्र किया ना सिर्फ अपने आप को हमको दे दिया बल्कि कहता है कि जितनी प्रॉपर्टी मेरी है ना उतनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है जो बाप ने मुझे दिया था ना वो सब मैं तुम्हें दे रहा हूं और उसी के चलते बहुत ध्यान से सुनना एक ऐसा कल्चर है जब लड़की शादी करती है तो पति का नाम आता है और पिता का नाम चला जाता है तो वो अंगूठी पहनती है तो कोई सहेली पूछती है ये अंगूठी का मतलब क्या है तो कहती मेरी शादी हो गई तो इसका मतलब क्या है कहते हैं जो पति का मेरा हो गया माई गुडनेस <laughs> जो पति का है वो मेरा हो गया तो यशु का दास जिसका नाम है पौलूस कहता है ऐसी तेजस्वी हुई कलिसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसके साथ लिखा है यशु के पास खड़ी करे और लिखा है कलंक नहीं होगा झुर्री नहीं होगी कोई वस्तु नहीं होगी बल्कि पवित्र होगी निर्दोष होगी और साथ ही साथ ऐसी पावरफुल होगी देख लो देख लो देख लो ऐसी पावरफुल होगी कि शत्रु उसके पाँव के नीचे होगा शैतान उसके पाँव के नीचे होगा इसका मतलब क्या है यीशु मसीह क्या बनाना चाहता है कलिसा को पावरफुल यीशु कलिसा को क्या बनाना चाहता है तगड़ा यीशु क्या बनाना चाहता है हिम्मत वाला यीशु क्या बनाना चाहता है ऐसी शक्तिशाली कलिसिया पृथ्वी पे जागृत घूमती फिरती जैसा यीशु था वैसा कलिसिया पृथ्वी पर घूमना चाहिए वाह अब इसको देखिए इसको देखिए इसको देखिए इसको देखिए दूसरा का दो लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन किसके विषय में कलिसिया किसके विषय में परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य कौन है उसकी कलिसिया लिखा है ईश्वरीय धुन ye लगाए रहता हूं इसलिए कि मैंने एक पुरुष ब्रैकेट में जीसस मैंने डाला है। लिखा है इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है जिसको कहते हैं एंगेजमेंट जिसको कहते हैं सगाई जिसको कहते हैं आपकी बातचीत तो हुई है रिंग चेंज हुआ है अभी तो सिर्फ रिंग चेंज हुआ है अभी तो सिर्फ बात हुई है लेकिन बहुत जल्दी शादी होगी बहुत जल्दी शादी हो गई थाली बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद कमान 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 जितने यूट्यूब पे हैं बात को समझिए लिखा है इसलिए कि मैंने एक पुरुष से नॉट दो पुरुष नॉट तीन पुरुष नॉट चार पुरुष इसलिए उद्धार का रास्ता यीशु है सच्चाई का रास्ता यीशु है मानव जाति को पाप से छुटकारा पाना है एक ही है और उसका नाम जोर से यशु है यशु है तो लिखा है इसलिए एक पुरुष से बात लगाइए तुम्हारी बात लगाइए एंगेजमेंट अब इसको देखो कि तुम्हें पवित्र कुवारी की नाई मसीह को सौंप दू किसकी नहीं नाई पवित्र कुवारी की नहीं तो कलिसिया क्या है यीशु की कुवारी कलिसिया क्या है यीशु जिसे शादी करने वाला है कलिसिया का राज्य परमेश्वर का राज्य मतलब कलिसिया कलिसिया यीशु मसी की किंगडम यीशु की कैबिनेट समझ में आ गया तो लिखा है कि उसे पवित्र कुवारी की नाई मसी को सौंप दू क्यों क्योंकि प्रकाशित वाक्य किसका दो देख लो लिखा है फिर मैंने पवित्र नगर एखिलसिया ब्रैकेट में पवित्र नगर एखिलसिया जिसको कहते हैं नया यरूशलेम को परमेश्वर के स्वर से परमेश्वर के पास उतरते देखा कौन सा अध्याय है किस अध्याय कहां उतरेगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा इसी पृथ्वी के ऊपर इसी पृथ्वी के ऊपर लेट मी रिपीट अगेन इसी पृथ्वी के ऊपर पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी चादर की नाई लपेट दी जाएगी और परमेश्वर का नया यरूशलेम इसी पृथ्वी पर फिर उतरेगा अपोक्लिप्टिक की बातें हैं चिन्ह की बातें हैं दृष्टांत की बातें हैं उदाहरण की बातें यशु हमको आपको कहता है तुम मेरा नया यरूशलेम हो वाह और लिखा है उसे दुल्हन के समान थे जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है